Children, today we are going to start with a history chapter, tribal societies. From an early chapter, that means we have done about the rural life and society. So in that we have come to know about that permanent settlement was introduced by Lord Cornwallis, if you remember. Do you remember na? That Charles Cornwallis, he introduced this thing, permanent settlement. In which states, do you remember? Bengal, Bihar, Odisha, and some parts of Madras Presidency. And the Indigo Revolt started in the state of, if you remember, it was in Bengal. Okay. So, in this warm-up section, child is asking her mother, "Mother, why do we draw lotus flower in our Rangoli in Diwali?" So mother is answering her child, "The lotus represents the goddess Lakshmi. So when we make the rangoli of lotus, we are welcoming her to our home." Okay. So here you come to know about what is tradition. Okay. And you can also discuss any two traditions that are practiced in your house. So before you can discuss among yourself. When we will meet in the class, we can discuss there. So today we are going to start with this chapter, tribal societies. So tribal societies are those societies which live away from the normal societies, means they are away in the forest, okay, like a tribes, okay, or we can say them Adivasis also. So who all are Adivasis? They are the aboriginal people of India, those who have inhabited different forested and hilly regions of the country, okay. जो फॉरेस्टेड और हिली रीजन्स में रहते हैं उनको आदिवासीज बोलते हैं. तो जो आदिवासी वर्ड है दैट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ आदि, जिसका मतलब होता है बिगनिंग ऑफ टाइम, एंड वासी मीन्स इनहैबिटेंट, रहने वाला, है ना, कि जो शुरू से रहने वाला हो. सो आदिवासीज लिटरली ट्रांसलेट्स टू इनहैबिटेंट्स सिंस द बिगनिंग ऑफ टाइम, कि वो रहने वाले लोग जो जब टाइम शुरू हुआ था तब से रह रहे हैं. सो आज के टाइम में जो गवर्नमेंट है इंडिया की, इट रिकॉग्नाइज 533 यूनिक ट्राइब्स, कि हमारे जो इंडिया में 533 यूनिक ट्राइब्स हैं वो कौन कौन सी हैं? गोंड्स हैं, भिल्स हैं, संथाल्स, मुंडास एंड द कोल्स. दीज आर द सम ऑफ द ट्राइबल ग्रुप्स इन इंडिया. अब ब्रिटिश टाइम के जब एरा था, जब उनका वक्त था, जो ट्राइबल लोग थे दे यूज टू लिव इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया. और वो क्या करते थे प्रैक्टिस? शिफ्टिंग कल्टीवेशन. शिफ्टिंग कल्टीवेशन को झूम भी बोलते बेटा. तो और क्या करते थे वो ट्राइबल लोग? हंटिंग करते थे, गैदरिंग करते थे, फिशिंग करते थे. क्यों करते थे? अपनी ज़िंदगी जीने के लिए, ठीक है. और उनका जो सोशो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था वो भी बड़ा अलग सा होता था, ठीक है, जो आपकी इंडियन सोसाइटी का बड़ा ही इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता था. नेक्स्ट इज़ योर सोशल लाइफ. सोशल लाइफ के बस बारे में डिस्कस कर लेते हैं, किस तरह की उनकी सोशल लाइफ हुआ करती थी, सोसाइटी में कैसी ज़िंदगी जीते थे वो. तो जो ट्राइबल सोसाइटीज़ थी, वुमेंस को ट्राइबल सोसाइटीज़ में काफ़ी रिस्पेक्ट और डिग्निटी थी, उनकी शान थी. और उनको फैमिली में, मैरिजेज में, ठीक है, वो लोग जो थे ट्राइबल पीपल, वो काफ़ी इसके बारे में सोचते थे. और इस वो सोचते थे कि सेम क्लान में उनकी जो ये फैमिली और मैरिजेस जो हैं, सेम जो भी उनका सोसाइटी, जो भी कास्ट होती थी उसके अंदर नहीं होनी चाहिए थी. और वो बहुत ही रिलीजियस पीपल थे और दे बिलीव्ड इन एनिमिस्टिक स्पिरिट्स, ठीक है. एनिमिस्टिक मीन्स जो सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं ना, जैसे आप कह सकते हो जिसने ये यूनिवर्स बनाया है, ठीक है, इस तरह के सुपर नेचुरल पावर्स के में बिलीव करते थे. और सेक्रीफाइस बहुत करते थे क्योंकि वो स्पिरिट्स को हमेशा प्लीज़ करना चाहते थे, जो आत्माएं बुलाते थे उनको हमेशा प्लीज़ करने की कोशिश करते थे, इसलिए सेक्रीफाइस बहुत कॉमन था. सो एंसेस्टर्स जो थे उनको बहुत, मतलब पितृ को आजकल भी बहुत ज़्यादा ना वर्शिप करते, लेकिन तब भी जो हमारे आदिवासी थे ये वर्शिप एंसेस्टर्स को करते थे. और जो डेथ रिचुअल्स होते थे जो प्रीस्ट परफॉर्म करते थे उनके ऊपर, उन पर भी बहुत ये बिलीव करा करते थे, ठीक है. और नेक्स्ट आ जाती है आपकी इकोनॉमिक लाइफ. ये तो आपकी सोसाइटी किस तरह की सोसाइटी थी उनकी, है ना, ट्राइबल्स की. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इकोनॉमिक लाइफ, किस तरह से इकोनॉमी, पैसे कहाँ से, मतलब
उनको मिलते थे। तो जो आदिवासीज थे वो सेल्फ सफिशिएंट थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा मार्केट्स के ऊपर नहीं डिपेंडेंट थे, मतलब अपने आप में ही काफ़ी पूर्ण थे वो, और छोटे छोटे लैंड जो थे फॉरेस्ट में उनको क्लियर कर लेते थे, या हिली रीजन में जहाँ पे भी वो रहते थे, फॉरेस्ट में या हिली रीजन में, वहाँ पे छोटे छोटे लैंड्स को क्लियर कर लेते थे एंड दे स्टार्ट डूइंग इट शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक है, और शिफ्ट करना कल्टीवेशन को, मतलब खेती को शिफ्ट करना, जहाँ पे एक बार वो खेती कर लेते थे फिर उसको एक दो साल के लिए उसकी ज़मीन को उपजाऊ होने के लिए छोड़ देते थे, दूसरी जगह पे जाके थोड़ा सा एरिया को कलर क्लियर कर लेते थे और वहाँ पे वो कल्टीवेशन करते थे, ठीक है। अब इसको कल्टीवेशन करने के लिए पहले क्या करते थे, वो दे कट द वेजिटेशन, ठीक है, और उसको जो ड्राइड हो जाती थी उसको बर्न कर देते थे, ऐश कर देते थे, ठीक है, और जो इधर उधर फैला होता था ऐश उसको सबको क्लियर कर लेते थे, अपनी लैंड को तैयार कर लेते थे और जैसे ही क्रॉप्स उगाते थे और वो राइप हो जाती थी, मतलब पक जाती थी, हाँ, और फिर वो क्या करते थे, उसको काट लेते थे और फिर उस जगह को, जैसे मैंने आपको बताया, फिर उसको 20-30 ईयर्स के लिए और रीजनरेट होने के लिए छोड़ देते थे, और इतने टाइम में वो दूसरा जो पार्ट होता था फॉरेस्ट का वो क्लियर कर लेते थे और दूसरी क्रॉप वहाँ पे उगाते थे, इसलिए इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं, ठीक है। जो फूड आइटम्स ग्रो करते थे वो कौन कौन सी थी, वो राइस, मिलेट, मेज़, पोटैटोज एंड कॉटन, वो ये लोग वो ये उगाया करते थे। जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस था वो किस लिए यूज़ किया जाता था, फॉर द पर्पज़ ऑफ बिल्डिंग हाउसेज, मेकिंग मैट्स, इस तरह की चीज़ें, ठीक है, और इस ऑक्यूपेशन के अलावा वो और क्या काम करते थे, कैटल रियरिंग करते थे, फिशिंग, वीविंग, बेटा ये आप सब चीज़ें आप अंडरलाइन कर सकते थे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन किसे किसे कहते हैं, ठीक है, उसको भी अंडरलाइन करेंगे आप, और कौन कौन सी चीज़ों को वो अपने यूज़ करते थे, जैसे बिल्डिंग हाउसेस, है ना, मेकिंग मैट्स, इसका फॉरेस्ट प्रोड्यूस यूज़ करते थे, ऑक्यूपेशन कौन सा था अंडरलाइन कर लो, कैटल रियरिंग, फिशिंग एंड वीविंग, और फिर बहुत ही जल्दी वो लाइफस्टाइल जो और कल्चर जो था प्लेन लोगों का, उनसे इन्फ्लुएंस होने लग गए और उन्होंने एक बार्टर सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया। बार्टर सिस्टम क्या होता है बेटा, अंडरलाइन कर लो, एक्सचेंज्ड फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर व्हाट दे नीडेड फ्रॉम द मार्केट, जो मार्केट से उनको चाहिए थे उसके बदले में फॉरेस्ट प्रोडक्शन उनको दे देते थे। तो जो ट्राइबल्स लोग थे बेटा, ये इनको ज़मींदारों ने बहुत एक्सप्लॉइट किया था, ठीक है, कि जैसे ही ज़मींदारों ने तो एक्सप्लॉइट करा था, लेकिन ब्रिटिशर्स ने के अंडर भी जब वो कंट्रोल में आ गए थे उन्होंने भी इनको एक्सप्लॉइट किया, ठीक है। आपको फाइंड आउट करना है जो आपके व्हाट वाज द रिलेशनशिप बिटवीन ट्राइबल्स एंड नॉन ट्राइबल्स बिफोर द ब्रिटिश अराइव्ड, लोगों ब्रिटिशर्स के आने से पहले किस तरह का रिलेशनशिप था ट्राइबल्स और नॉन ट्राइबल्स का, आपका क्वेश्चन इसी में ही पार्ट में आपका आंसर है कि बार्टर सिस्टम एक्सचेंज करते थे वो, ठीक है, तो इन्फ्लुएंस रहते थे जो प्लेन्स के लोगों के लाइफस्टाइल से, ठीक है। अब आगे पढ़ लेते हैं हम पॉलिसीज़ ऑफ द ब्रिटिश टुवर्ड्स द ट्राइबल, ब्रिटिशर्स की ट्राइबल्स की टुवर्ड्स क्या पॉलिसीज़ रहीं, किस तरह से उनको एक्सप्लॉइट किया गया, है ना, तो वो इस हेडिंग में है। इकोनॉमिक लाइफ हम पढ़ चुके हैं, सॉरी आई कुडंट टर्न द पेज एंड आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, इकोनॉमिक लाइफ में आपको बता चुकी, नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश टुवर्ड्स ट्राइबल। अब ब्रिटिश जो थे उन्होंने ट्राइबल्स लोगों की लैंड के ऊपर एनक्रोच करना मीन्स ज़बरदस्ती उनकी ट्राइबल्स की लैंड पे घुस गए थे और उनकी जो पीसफुली वो रहते थे उसको डिस्टर्ब कर दिया। क्यों क्या क्या उनकी मंशा था, क्यों उनको डिस्टर्ब किया, कि वो अपनी पॉलिटिकल पावर को एक्सपैंड करना चाहते थे, ठीक है, और ये जो दिस बिकेम द प्राइमरी कॉज फॉर द डिसकंटेंट अमंग द ट्राइबल्स, तो यही एक कारण बन गया था जो ट्राइबल्स की मतलब उदासी का कारण आप कह सकते हैं, क्योंकि उनकी खुशी जो जैसे छिन गई थी, ठीक है, जैसे ब्रिटिशर्स ने उनकी इंक्रोचमेंट की उनकी जगहों पे। और ब्रिटिशर्स ने और क्या किया, उनकी जो फंक्शंस थी, उनकी पावर्स थी जो ट्राइबल चीफ्स की, उनको भी काट दिया, मतलब उनको उनके उनकी पावर छीन ली, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न था जिसकी वजह से ट्राइबल्स ने रिवोल्ट कर दिया ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। और कौन से कारण थे जिसकी वजह से जो ब्रिटिशर्स ने रिबेल ब्रिटिशर्स की तरफ जो है ट्राइबल पीपल ने रिबेल किया, वो हम पढ़ते हैं।
सबसे पहली बात तो है कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बहुत बड़ा जो एरियाज था, जो लैंड कल्टीवेट करते थे आदिवासी कैश क्रॉप्स ग्रो करने के लिए, मतलब जो कल्टीवेट करते थे आदिवासी उसको अपने अंडर कंट्रोल कर लिए थे, उनके कल्टीवेटेड एरियाज़ को। उस पर क्या करते थे ब्रिटिशर्स, कैश क्रॉप्स ग्रो करते थे, जैसे इंडिगो, जूट, कॉटन, है ना, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। फिर जो ब्रिटिशर्स थे उनकी लैंड को किसको दे देते थे, ज़मींदार्स को, ठीक है, और ज़मींदार्स को उनका ओनर्स बना दिया था। और अब ज़मींदार क्या करते थे, वो भी एक्सप्लॉयट करते थे उनको, इनको ट्राइबल पीपल को, वो ऑप्रेसिव मेथड यूज़ करते थे ताकि उनसे वो काम ले सके और ज़्यादा से ज़्यादा मनी उनसे कमा सकें, ठीक है। सो ये भी ब्रिटिशर्स के लिए प्रॉफिटेबल था क्योंकि ज़मींदार जो थे वो रेवेन्यू देते थे। अगर आपका पहले का चैप्टर अगर आपको याद है, रेवेन्यू दिया करते थे ज़मींदार जितना ब्रिटिशर्स डिमांड करते थे, ठीक है। और काम कौन करते थे, ट्राइबल लोग, ठीक है। अब ट्राइबल पॉलिसी जो थी ब्रिटिशर्स की, उस उन्होंने बहुत सारे जो राइट्स थे ट्राइबल लोगों के, ठीक है, जो वो इन्जॉय करते थे, ठीक है, और वो उनके मतलब ले लिए थे और उनको फोर्स किया कि वो एक लैंडलेस लेबरर्स की तरह काम करें और कम वेजेस पे काम करें। और स्पेशली कब कहाँ पे किन किन काम के लिए उनको कम वेजेस मिलते थे, टी प्लांटेशन जो असम में करते थे। तो ये जो सेटलमेंट पॉलिसी बनाई गई थी उसका क्या, जो भी मतलब ब्रिटिशर्स ने बनाई थी, ठीक है, उसमें ब्रिटिशर्स ने ये जो सेटलमेंट पॉलिसी बनाई, इसमें ब्रिटिशर्स ने क्या क्लेम किया कि जो फॉरेस्टेड एरियाज़ हैं उनके ऊपर ब्रिटिशर्स का अधिकार है और राइट टू द फॉरेस्टेड एंड मेड यूज़ ऑफ द फॉरेस्ट रिसोर्सेज फॉर देयर बेनिफिट। और वो उन्होंने उनको कहना शुरू कर दिया कि जो फॉरेस्ट का जो रिसोर्सेज हैं वो उनके बेनिफिट के लिए यूज़ किया जाए, ठीक है। As a result of the land settlement policy introduced by the British claimed their right to the forested areas and made use of the forested resources for their benefit. मतलब अपना अधिकार जमान लिया उन्होंने फॉरेस्ट के ऊपर और अपने फ़ायदे के लिए उन रिसोर्सेज को यूज़ करना शुरू कर दिया। अब टैक्स भी ट्राइबल लोगों के ऊपर, ट्राइबल प्रोडक्ट्स के ऊपर लेवी करना शुरू हो गया था, ठीक है, और दस हैम्परिंग द ट्रेडिशनल इकॉनमी। इस तरह से जो ट्रेडिशनल इकॉनमी जो ट्राइबल लोगों के पास आ रही थी उसका उसमें रोक डाल दी गई, ठीक है। और इसकी वजह से जो ट्राइबल्स थे उन्होंने रिटेलिएट किया, मतलब उन्होंने उनको उनके अगेंस्ट गए और जिससे लोकल पुलिस के साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट हो गया, ठीक है, कंपनी ऑफिशल्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो गया कि, और उन्होंने क्या करा, और ब्रिटिशर्स के लिए काम करने के लिए रिफ्यूज़ कर दिया अगर उनको वेजेस नहीं दिए जाएंगे, ठीक है, बिना वेजेस के काम करना कम कर मतलब बंद कर दिया उन्होंने। अब नई डेवलपमेंट हुई जैसे कि पोस्टल और रेलवेज, नेक्स्ट पेज पे निकाल लो, नई डेवलपमेंट्स हुई पोस्टल्स और रेलवे की सर्विसेज की। अब ये भी ट्राइबल लोगों के लिए बड़ी उनके लिए उनकी ज़िंदगी के लिए उनके रहने के लिए एक थ्रेट बन चुकी थी। और जो ट्राइबल्स लोग थे झारखंड के उनको सिल्क कोकून्स कल्टीवेट करने के लिए फोर्स किया जाता था, ठीक है, और जिन जिनको जिनसे बहुत ज़्यादा पैसा मिल पाता था एग्जॉर्बिटेंट प्राइसेस पे उनको मतलब ट्राइबल जो लोग थे वो इसको कूकन्स की वो जो मतलब ख़रीदारी कर मतलब लेते थे मतलब सॉरी ब्रिटिशर्स जो है इसे खूब मुनाफा कमाते थे कूकन से। और कौन से फैक्टर्स थे जिसकी वजह से ट्राइबल लोगों को प्रॉब्लम हुई, एक वो थे फॉरेस्ट लॉज इंट्रोडक्शन किए गए, ठीक है, मनी लैंडर्स ने उनको एक्सप्लॉयट किया, ट्रेडर्स ने उनको एक्सप्लॉयट किया और उनके पास कोई काम नहीं रहता था, और सारी चीज़ों ने उनका एक्सप्लॉयट किया जिसकी वजह से रिवोल्ट के लिए वो उनको रिवोल्ट के लिए खड़े होना पड़ा। और कई बार ये रिवोल्ट जो है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट भी हो जाते थे और कई बार ये रिवोल्ट ज़मींदार्स के अगेंस्ट होते थे। जो वेल नोन रिवोल्ट है जो ट्राइबल्स लोगों ने लोगों ने किए थे वो मध्य प्रदेश के भिल्स जो ट्राइब पीपल थे उन्होंने किए थे और बिहार के संथाल्स ने किए थे, ठीक है, और मेघालय के जो खासीज और गारोज जो थे ट्राइबल पीपल उन्होंने किए थे। और ब्रिटिशर्स के पास हर तरह के आर्म्स थे और जो लेटेस्ट वेपन्स भी उनके पास होते थे, और ट्राइबल्स के लोगों के पास पुराने ही वेपन्स हुआ करते थे जैसे तीर कमान हो गया, ठीक है। और जब हम
ट्राइबल मूवमेंट पढ़ेंगे और ये हमें ट्राइबल मूवमेंट तीन स्टेजेस में हमें क्लासिफिकेशन मिलेगी। द पहली कौन सी होगी, जो रिवोल्ट ऑफ 1857 से पहले, और जो सेकंड थी वो 1860 से लेके 1920 के बीच में हुई थी, ठीक है। और ये क्यों हुई थी, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, जो ब्रिटिशर्स की हुई थी इनकी वजह से हुई, ठीक है, जो उन्होंने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट ब्रिटिशर्स ने की थी उन वजह से ये रिवोल्ट्स हुए थे। और तीसरा जो था वो 1921 से लेके 47 में हुई, और ये सिर्फ ये तब रिवोल्ट हुआ विच वॉज टू शो दे सपोर्ट एंड सॉलिडेरिटी टूवर्ड्स द नेशनल मूवमेंट। वो 1920 से 47 वाला जो था वो ट्राइबल लोगों ने नेशनल मूवमेंट में सपोर्ट डालने के लिए और अपना योगदान देने के लिए और अपने देश प्रेम दिखाने के लिए किया था। नेक्स्ट आ जाता है आपका इन्वेस्टिगेट। तो इन्वेस्टिगेट में हम पढ़ते हैं कि ब्रदर ऑफ महाराजा ऑफ तमहार, ठीक है, गेव फार्म्स ऑफ सम ऑफ द विलेजेस ओवर द हेड्स ऑफ द मंकीज एंड मुंडास टू सर्टेन मुहम्मदंस सिक्स एंड अदर्स हु हैड सॉट एंड ऑब्टेन्ड हिज फेवर। 12 विलेजेस दैट हैड बिलोंग टू सिंगराय मंकी वर दस गिवन टू सिक्स। तो इसमें बस देने की चीज़ बातें हो रखी हैं कि सिंगराय मंकी की जो 12 विलेजेस थी वो सिखों को दे दी गई थी। जो ये जो मंकीज थे उन्होंने कोल्स को बुलाया फ्रॉम सराउंडिंग एरियाज एंड एट द मीटिंग सेट पठानस एंड द सिक्स हैव डिसऑनर्ड अस, ठीक है। द कुंवर हरनाथ सिंह हैज़ फोर्सिबली डिप्राइव्ड अस ऑफ आवर, कि जो कुंवर हरनाथ सिंह था उसने ज़बरदस्ती हमें हमारे विलेजेस को विलेजेस से अलग कर दिया, क्योंकि आपने आप जैसे पढ़ा ना कि ब्रदर ऑफ महाराजा तमार उसने कुछ विलेजेस के जो फार्म्स थे वो उसने मंकीज और मुंडास को जिसके हेड थे टू सर्टन मुहम्मदन सिक्स और अदर हु सॉट ऑफ टेन उनको दे दिए थे, ठीक है। और जो 12 विलेजेस थे जो सिंगराय मंकी को बिलोंग करते थे वो सिखों को दे दिए, तो इसके बारे में ही बात कर रहे हैं वो, ठीक है। तो उन्होंने बोलते हैं कि कुंवर हरनाथ सिंह ने हमें अपने हमारे विलेजेस से अलग कर दिया है, ठीक है, और उन्होंने सिंग्स को दे दिए हैं और हमारी कोई लाइफ की कोई वैल्यू नहीं रही है, ठीक है, हमें सबको इकट्ठे मिलके रहना है और इस चीज़ के लिए फाइट आउट करना है। तो इसी उस मीटिंग के बाद ही 11 दिसंबर 1831 में वो जो कोल्स का इंसरेक्शन शुरू हो गया, ठीक है। ये आपका कोटेड कहाँ से लिया है, डिस्क्रिप्टिव एथनोलॉजी ऑफ बंगाल बाय एडवर्ड ट्यूट डेल्टन।